इसके जा नहीं सकता तो दुख है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, बोल के दिखा देता हूँ। छोले भटूरे से लेके रास कचौड़ी तक, और हाँ आइसक्रीम से लेके कुल्फी तक सब मिल जाएगा वहाँ पे, मजा तो आने ही। इंद्र के अजाबस से लेके और स्वामीनारायण जी के साथ कैसा रिलेशन है, पूरा का पूरा जो ये पथ में आप जब चलेंगे ना, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको एक एक करके मिल जाएगा। जा नहीं सकते तो ये वीडियो देख के मजा ले लीजिए। हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ एक अच्छा मंदिर के बारे में, जिस मंदिर का वीडियो पार्ट वन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए देखिए ये मंदिर में। आज आ गया हूँ, पता चल गया तो होगा ही, आज आ गया हूँ डिस्कस करने के लिए अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर के बारे में डिस्कस करने के लिए। और ये मंदिर के बारे में अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वो था आउटसाइड व्यू। देखिए आउटसाइड व्यू में क्या है कि मज़ा नहीं आया। मैंने कहा कि सारे मंदिर का मैं अगर इनसाइड व्यू ले सकता हूँ तो अक्षरधाम मंदिर में जा तो नहीं सकता मोबाइल लेके, पर वीडियो तो ज़रूर बना सकता हूँ। आ गया हूँ अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर के इनसाइड व्यू लेके। जी हाँ, अब इनसाइड व्यू मोबाइल अलाउड नहीं है, कैमराज अलाउड नहीं है, तो इनसाइड व्यू ले कैसे सकते। मैंने सोचा कि देखिए कैमरा मोबाइल तो ले नहीं सकता, पर आपको फोटो के माध्यम से और मेरे बात के माध्यम से आपको तो आप तक तो पहुंचा सकता हूं, तो ये मेरा प्रयास है आपके लिए। तो अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर के पूरा का पूरा वीडियो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और पूरा का वीडियो मेरे साथ एंजॉय कीजिए। लेट्स स्टार्ट एंड टेक केयर, चलो। तो अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर में बनाने के लिए 6 नवंबर 2005 को ये कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो गया था। 6 नवंबर 2005 को ये मंदिर खुला गया था। और हाँ, ये मंदिर डेडिकेटेड है स्वामीनारायण जी के बारे में और स्वामीनारायण भगवान जी के बारे में। तो इसको बनाए थे स्वामी महाराज जी ने। और हाँ, इसको इसका दो मंदिर है, एक है अक्षरधाम गांधीनगर और दूसरा है अक्षरधाम न्यू दिल्ली। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अक्षरधाम न्यू दिल्ली। आज मैं बात करने वाला हूँ अक्षरधाम न्यू दिल्ली के बारे में, तो देरी ना करके आगे चलते हैं। अक्षरधाम न्यू दिल्ली के पार्ट वन अगर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो अक्षरधाम न्यू दिल्ली का वीडियो देखिए और अक्षरधाम पार्ट टू में एंट्री कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एंड ये पार्ट में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कुछ कुछ स्टेप है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक एक पार्ट करके मंदिर के अंदर एंट्री करते और मजा लेते, ठीक है, चलिए। तो व्हिच इज अलाउड व्हिच इज नॉट अलाउड पे पार्ट वन, पहला वीडियो में पहली बार अक्षरधाम के मंदिर में एंट्री करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मैंने पार्ट वन में बता चुका हूँ कि मोबाइल फ़ोन और कैमरा, ये दो चीज़ें रेस्ट्रिक्शन है, और आपके पास अगर अदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है तो आप इसको अंदर नहीं ले जा सकते। इसके बाद आप इसको बदालत और इसको छोड़ के आप बेल्ट ले सकते हैं, इसको वॉलेट आप ले सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को लग सकते हैं। पर मोबाइल फ़ोन, आप टॉकिंग अबाउट कैमरा, दिस इज़ नॉट अलाउड, आप नहीं ले सकते ये सब चीज़ें। तो बाकी क्या चीज़ आप ले सकते हैं, और मोबाइल और कैमरा के बदले आपको एक टोकन दिया जाएगा, एक क्लॉक रूम होता है, यस एक क्लॉक रूम होता है आपका सामान को रखने के लिए। कोई सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, आपका सामान पूरा सुरक्षित रहेगा, आपको टोकन दिया जाएगा, मंदिर घूमिए, आराम से घूमिए, घूम के आने के बाद आपको टोकन दिखाएंगे, आपको सामान लेकर जाएंगे। और हाँ, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एड्रेस पूरा प्रूफ करना, दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं, एड्रेस क्या है आपका, किस किस क्या है, पूरा आप डिटेल भरना वहाँ पे, तब जाके आपको ये सब दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि मंदिर के अंदर जाते हैं, यार ये तो था इंटरेस्टिंग गाइडलाइन था ये सब, और मंदिर के अंदर जाते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है, चलो। ओके, आइए मंदिर में, आइए एंट्री कीजिए। और स्वामीनारायण, पहले जब एंट्री करते हैं हम मंदिर में, देखिए पहली एंट्री में आपको स्वामीनारायण जी के बहुत ही सुंदर मूर्ति
वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप जाइए, दर्शन कीजिए, ठीक वैसे ही कॉन्सेप्ट। आपके आपके जूते वहाँ पर उतरना पड़ेगा और आपको सीढ़ी चढ़ के, जैसे कि आप फोटो में आगे आगे देख सकते हैं, फोटो में आप देख सकते हैं कि जैसे कि सीढ़ी चढ़ के आप वो मंदिर में आप एंट्री कर सकते हैं। और ये भी जो उनका जो मंदिर है, उनका जो बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, आप वहाँ पर एंट्री कीजिए और वो सुंदर स्ट्रक्चर का आप देखिए और मज़ा लीजिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और रात को तो उसका कुछ और ही मज़ा होता है, कुछ और ही इंस्टेंट व्यू का कुछ और ही होता है। तो आई थिंक ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मंदिर दर्शन कर ली, बातें हैं पार्ट टू पे आते हैं। ओके, तो पार्ट टू में देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि गज पथ में, देखिए मंदिर के चारों तरफ आप जब उतरेंगे, स्वामीनारायण भगवान के जो स्टेयरकेस से आप उतरेंगे और उसके चारों तरफ गज पथ होता है। गज पथ मतलब हाथी का जो, गज पथ मतलब हाथी, गज मतलब हाथी और पथ मतलब वहाँ से आप चल के जाएंगे, इसका मतलब हाथी का पूरा का पूरा वर्णन होता है। गज पथ का एक बुक है, आप अगर देखना चाहते हैं तो स्वामीनारायण मंदिर में आपको मिल जाएगा वो बुक। उसके बारे में अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं, पर मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि गज पथ में क्या क्या होता है। देखिए गज पथ में आपको हाथी का पूरा जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म में हाथी का महत्व कितना ज़्यादा होता है, हिंदुइज्म में हाथी का महत्व गज का महत्व कितना इम्पोर्टेंट होता है, इंद्र के अजाबस से लेके और स्वामीनारायण जी के साथ कैसा रिलेशन है, पूरा का पूरा जो ये पथ में आप गज पथ घूमने के बाद अब चौथा पॉइंट में आते हैं, चौथा पैरामीटर पे आते हैं कि एग्जीबिशन, उनका बोटिंग और वाटर शो कुछ अलग ही मजा आता है। यही तो पहचान होता है अक्षरधाम न्यू दिल्ली के मंदिर के बारे में। तो ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि उसका जो एग्जीबिशन होता है, बोटिंग होता है और वाटर शो होता है, उसका प्राइसिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो एग्जीबिशन, बोटिंग, वाटर शो आप अगर पैकेज लेते हैं, देखिए पूरा धारणा तो नहीं है, पूरा तो मतलब पूरा नहीं बता सकता, पर हाँ एक चीज़ मुझे याद है जरूर कि ₹340 आपको पे करना पड़ेगा फॉर द अमाउंट फॉर बोटिंग, एग्जीबिशन एंड वाटर शो। एक पैकेज आता है, आप पूरा घूमिए वहाँ पर, बहुत अच्छा है उसका एग्जीबिशन, उसका पूरा उनका जीवनी, उनका पूरा लाइफस्टाइल के बारे में, स्वामीनारायण जी के लाइफस्टाइल के बारे में पूरा आप जान सकते हो वहाँ पे। ₹340 देना और पूरा घूम के आना, मज़ा आ जाएगा। जी हाँ, एग्जीबिशन और बोटिंग, वाटर शो तो कुछ और ही मज़ा होता है, ठीक है। पर हम जो पे नहीं कर सकते, अगर आप खाली वाटर शो आप देखना चाहते हो तो सिर्फ ₹90 आपको देना पड़ेगा और वाटर शो का मजा आनंद लेना पड़ेगा। वाटर शो का मजा तो कुछ और होता है यार, मैं तो दो बार देख के आया हूँ, दो बार अक्षरधाम गया हूँ, दो बार देख के आया हूँ, एक अलग ही मजा आता है वहाँ पर स्वामीनारायण जी के भक्ति में, एक अलग ही मजा आता है। तो यही होता है एग्जीबिशन, बोटिंग एंड वाटर शो। तो ये तो घूम लिए, और वाटर शो अगर खाली देखना चाहते हो तो भी जा सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वैसे मेन चीज़ें तो मैं कवर कर चुका हूँ और फोटो में तो आपको देख ही रहे हो, एक एक करके तो जा रहा है फोटो, आप उसके साथ साथ मजा लेते जाओ और मेरा वीडियो और मेरे बातों के साथ वहां तक भी पहुंच जाओ। अब आते हैं लास्ट और फाइनल पॉइंट पे। ये लास्ट और फाइनल पॉइंट में कैसे भूल सकता हूँ, खाने के बिना सब चीज़ें तो अधूरा ही देता है। हाँ, लास्ट पॉइंट है फूड कोर्ट, प्ले ग्राउंड और बाकी सब चीज़ें, और बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो वहां पर भी मिल जाएगा। तो यही है लास्ट पॉइंट, और द फिफ्थ पॉइंट इज दैट द बुक, प्ले ग्राउंड और आपका जो खाने का चीज़ें है, फूड कोर्ट जो होता है, तो मज़ा आ जाएगा। देखिए खाने का जो प्राइस होता है, अगर आप मैं बात करूँ छोले भटूरे से लेके राज कचौड़ी तक, और हाँ आइसक्रीम से लेके कुल्फी तक सब मिल जाएगा वहाँ पे, मज़ा तो आने ही वहाँ पे। खाने में भी मज़ा, घूमने में भी मज़ा, और रात का व्यू तो और ही मज़ा। रात का व्यू का व्यू तो चक्कर रहा होगा ना, रात का व्यू का व्यू तो मज़ा तो लीजिए, नाइट व्यू तो लीजिए। यही था पूरा का पूरा पांच पार्ट जिसके मैंने डिस्कस कर दिया। देखिए बातों से वहाँ तक पहुँच सकते हो, तो जाने को तो और भी कुछ मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यही था पूरा का पूरा वीडियो। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट कंक्लूजन पार्ट में। चलो ये तो था, मैं देखिए मेन पार्ट मैंने पूरा कवर कर लिया, मेन पार्ट क्या 80% पार्ट कवर कर लिया, बाकी 20% आप अगर जाएंगे तो बाकी 20% भी फुलफिल हो जाएगा। बट हाँ, कंक्लूजन पार्ट में मैं बताना चाहता हूँ अक्षरधाम के टाइमिंग के बारे में। 10 बजे खुलता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक एंट्री होता है, लास्ट एंट्री 6:30 बजे होता है, 6:30 इवनिंग पे। और हाँ, और वहाँ पे
आपको देख के वाटर शो देखने के बाद ज़्यादातर लोगों वहाँ पे खाली ही हो जाते हैं, तो लगभग वो मंदिर बंद होते होते 9 बजे हो जाता है। तो 10 बजे से लेके 10:30 में ओपनिंग होता है, 9 PM पे ख़त्म हो जाता है, और इन बिटवीन यू हैव टू बी एंजॉय मेनी थिंग्स, और आपको एंजॉय करने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, यही था अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर जी के बारे में। और मुझे तो, मैं तो गया था 2 बार, मज़ा तो आ गया, एक और बार घूमने की तो मज़ा है, एक तमन्ना भी है, और आप जाइए और घूमिए। अगर नहीं जा सके तो ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो देखने के बाद और फिर आप जाइए, मैं तो वीडियो कर रहा हूँ ना आपके लिए। ठीक है, तो ठीक है, टेक केयर बाय बाय, और अभी मुझे दे दीजिए परमिशन वीडियो को बंद करने के लिए। और हाँ, लास्ट में ये बताऊंगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और हाँ, मेरे साथ चैनल को अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी वीडियो डेली ब्लॉग की प्लेलिस्ट में आ जाएगा। डेली ब्लॉग का एक और वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और हाँ, आखिर में मैं कैसे साइन अप कर सकता हूँ? यस, तो दिस इज सिद्धार्थ सौरभ साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिद्धार्थ सौरभ यूट्यूब फैमिली। फैमिली कहने से तो कुछ बुरा नहीं होगा, यूट्यूब चैनल भी बोल देते हैं, फैमिली भी बोल देते हैं, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो। साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मिलते हैं एक और डेली ब्लॉग के एक और एनर्जेटिक वीडियो में, और भी वीडियो है बट खत्म होते होते आ रहे हैं, पर वीडियो प्लेलिस्ट नहीं हटेगा। आप जब भी मन चाहे घर में बैठिए और ईयरफोन प्लग कीजिए और दिल्ली ब्लॉग का आनंद लीजिए, और मुझे अभी जाने का परमिशन दे दीजिए यार। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, और चलता हूँ, सी यू, सायनारा।